इति वकारांता सुधीर शब्द एक ही दृष्टांत या वकारांतों का और समाप्त कर दिए। अब रेफांत को लेंगे, रांत का दृष्टांत चतुर शब्द है, रेफांत है, यहां संख्यावाचक है, चतुर शब्द चार अर्थ है इसका, चार अतएव नीति बहुवचनांत होगा, एक वचन द्विवचन तो चलेगा नहीं, जब तक समास नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, नित्य बहुवचनांत जस आया, चतुर्धान जस, जस तो बच गया अस, चतुर्धन अस, सूत्र लगाइए स्वाद सुपुंसिय, पहले आप उसका सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लेंगे, यस्मात् प्रस्तुतादि प्रत्यंगम हम संज्ञा कर लेंगे, अब सूत्र लगाएंगे चतुर्णो राम उदात्तः मिलचो अंत्याग परहा की जरूरत है, क्योंकि आम करना है आपने, मिथ्य आम मकार हलंत से संज्ञा हुआ, अदर्शन लोप की सहायता से लोपा ने मकार का लोप कर दिया, आ बच गया, आज पीछे बैठ गया चतु आ आचों के मध्य में जो अंत्यक्ष है उसे पर में मित बाइटा करता है, अचों के मध्य में अंत्य कौन है, दो अक्ष का चतुर में, एक च में अ, एक तु में उ, आ और वो इन दोनों में अंत्य वो उसे पर में बैठ गया आ, और वह उस अंत्य का ही अवय हो जाता है, चतु आ र अस हो गया, ठीक चीज है, स्थानांतरतम की सहायता से इक्वेंसी से वो को वा कर दिया, उसके बाद अज्ञेय व्यंजनम करेण संयोज्यम, अज्ञेय व्यंजनम परेण संयोज्यम हो गया, चत्वारस हो गया, फिर सत्कार का रूप सर कर दो, रूप बनेगा प्रथमा के बहुवचन का चत्वारः, 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 चतुर्दशस कोई काम नहीं है, अस को मिला दीजिए चतुरः, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, वहां भी कोई काम नहीं, भिस भ्यस भ्यस, केवल सकारों को ऋतु विसर्ग करना है उनमें भी, भिस भ्यस भ्यस तीनों में सकार ऋतु विसर्ग करने के अलावा कोई काम नहीं है, चतुर्धन आम षष्ठी के बहुवचन में काम है, चतुर्धन आम, चतुर्धन आम, कोई सूत्र की प्राप्ति थी नहीं, सीधा सूत्र लगाएंगे, इसलिए षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च, एभ्य आमो नुडागम स्यात्, एभ्य आमो नुडागम स्यात्, इनसे आम प्रत्यय को नुट आगम होता है, किनसे, षट संजक शब्दों से, षट संज्ञा करने वाले एक सूत्र तो पढ़ चुके हैं, डतिच डत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्, एक और सूत्र आगे आएगा श्नांता षट, शांत और नांत मूर्धन शिकारांत जो शशवागी शब्द है, नांत पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन, इस नांत संख्या वाचक है, इनको क्या हो जाएगा, षट संज्ञा होगा, उन शब्दों से पर में जब आम आता है, और चतुर षट चतुर्भ्यश्च, वर्तमान जो शब्द आपका चतुर, इनसे पर जो आम होगा उसको क्या होगा, नुट होगा, एभ्य आमो नुडागम स्यात्, इनसे पर में आम को नुट आगम हो जाता है, तो यह भी अंग संज्ञा वाला सूत्रों से अंग संज्ञा करना पड़ेगा, यस्मात् प्रस्तुतादि प्रत्येंगम, चतुर की अंग संज्ञा हुई, अनसंचक षट संचक शब्दों से और चतुर शब्द से आम होने पर आम को नुट हुआ, चतुर धन नाम हो गया, चतुर्धन नाम, चतुर्धन नाम, तो चतुर्धन नाम स्थिति में आप सूत्र आएगा रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम पंचमी का द्विवचन, नो षष्ठी का एकवचन, नह प्रथमा का एक वचन,
समान पदे सप्तमी का एक वचन, चार पदों से युक्त सूत्र है। समान पद मैंने अखंड पदे, अखंड पदे का अर्थ दिया मैंने पदांतर अघटितम पदम अखंड पदम, जो पदांतरों से घटित ना हो ऐसे पद का नाम अखंड पद होता है। ये अखंड पद एक ही पद के अंतर्गत है ना, प्रकृति प्रत्यय पीछे बैठे हुए हैं और र के बाद न सीधा व्यवधान नहीं किसी की, ये व्यवधान होता तो हमें लगाना पड़ता अटको पांग व्यवाय पी को, यहां नहीं है वो सूत्र लगेगा क्योंकि यहां व्यवधान नहीं है, इसलिए र से पर में अथवा मूर्धनिषकार रसाभ्याम रेफ अथवा मूर्धनिष से पर में दंत नकार हो तो उसमें मूर्धन नकार होता है। जब ये दोनों निमित्त और नैमित्तिक वस्तु एक पद अखंड पद समान पद उपस्थित हो तो, और वर्तमान समान पद भी है रेव से अव्यवहित पर में नकार भी पंचमी होने के नाते अव्यवहित पर में तस्मादित उत्तरस्य बोलता ना अव्यवहित पर में होनी चाहिए और र से अव्यवहित पर में नकार है इसलिए दंत नकार को इसी सूत्र से मूर्धन नकार हो गया रूप बना चतुर्नाम। अविसर्णकार को द्युत करेंगे हम, ण को द्युत करेंगे अचो रहाभ्याम द्वे, अचो रहाभ्याम द्वे। बहुत पहले पढ़े सूत्र को अचो रहाभ्याम द्वे, अच संधि का अंत में आया था है नहीं, अच्छा अच्छु का ऊ तुम्हें ऊ है अच, अच से पर में रेफ है अचा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्यरो द्वे वास्तो, ये था ना वहां पे, इसलिए अच से पर में है रेफ, रेफ से पर में यर कौन न, उस यर को द्युत होता है अचा पराभ्याम रेफ आकाराभ्यम परस्योद्य वेस्तः, इसलिए न को द्युत विकल्प से हो गया, एक बार दो नकार वाला रूप बना और यदि द्युत नहीं हुआ तो एक नकार वाला रूप है, ये पहला है द्वित पक्ष है द्वित भाव ही एक नकार। चतुर्नाम चतुर्नाम पुस्तक में भी दो रूप दे दिया है, चतुर्धन सुप बहुवचन सप्तमी का नित्य बहुवचनांत है, चतुर्धन सुप का सु पकार घलंतम चित संज्ञा आदर्शन लोप की सहायता तस्तस्य लोप से लोप हो गया, सु बचा है चतुर्धन सु। अब इस स्थिति में रेफ को विसर्ग हो सकता था खरवसान और विसर्जनीय, खर पर में है स, खर के प्रति रेफ को विसर्ग कर सकते हैं, तब नियम सूत्र लाते हैं रोह सुपी, लिखेंगे इसलिए आप खरवसान और विसर्जनीय विसर्गे प्राप्ते, उसको बाद रहा है रोह सुपी, रोह षष्ठी एक वचन सुपी सप्तमी का एक वचन, रो रेव विसर्ग सुपी, रो रेव विसर्ग सुपी, रू संबंधी रेफ कोई विसर्ग करेगा सुप के पर रहते हुए अन्य रेफों को नहीं करेगा, ये जो रेफ है चतुर का रेफ जो देख रहा है आप, यह रेफ रू का रेफ नहीं है, रू हुआ था क्या पहले सा सजुशो रू, तो रू तो हुआ नहीं है, चतुर शब्द जो प्रातिपदिक है इस प्रातिपदिक जो र आया है वो तो स्वभाव प्रकृति का ही अपना अवयव है, वो कोई आसु को या अन्य किसी शब्द को रू आदेश होकर के नहीं आया, इसलिए इस रेफ को विसर्ग नहीं हो सकता, इस नियम ने कह दिया रोर एव विसर्ग, लेकिन कब ये नियम लग रहा है जब सुपर सुप के परे रहते हुए नियम बनाता है, रू का ही रेफ को विसर्ग होता है सुप के परे रहते हुए अन्य रेफ को नहीं होता, जैसे दृष्टांत आपको मिलेगा ये पट्टिश शब्द बनाएंगे आग में, ये पट्टिश सौ रहेगा धन सुप का सु है, ये सौ हो गया स्वादिष्ट नमस्कार पद संज्ञा है ना, पदांत होगा पदांत होने से रू हो जाएगा कि पठिर धन सु, अब इसको विसर्ग होकर के रू बनता है गिर भी हो जाएगा कि पट्टी ही सु, और इसको भी मूर्धनी हो जाएगा पट्टी ही सु ऐसा बनेगा,
क्योंकि सात सकरु और रु को विसर्ग हो सकता है। सुप के पर रहते हुए इस प्रकार से रू आदेश होकर के जो रेफ बचा है उसी रेफ को विसर्ग कर सकते हैं आप। प्रकृति का वह पुता जो स्वाभाविक रेफ है इसमें अंतरण क्या करते हैं पता है, इसका नाम शब्दावली व्याकरण में ये प्रतिपदोक्त रेफ है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिपदोक्त। और इसको कहते हैं लाक्षणिक, सूत्र के द्वारा आदेश करके आया हुआ जो रेफ है उसको हम क्या कहते हैं? लाक्षणिक। लक्षण कहते सूत्र को, लक्षण कहते हैं सूत्र को व्याकरण में। इसलिए लक्षण के द्वारा आया हुआ, मैंने सूत्र से आया हुआ क्या हो गया? लाक्षणिक। इसलिए स को जब रू करता हूं ऐसा जो रेफ है वो लाक्षणिक रेफ है। और ये रेफ क्या है? प्रतिपदोक्त। प्रातिपदिक का अपना स्वाभाविक रेफ है उसको हम कहते प्रतिपदोक्त। लक्षण प्रतिपदोक्त यो हो, प्रतिपदोक्त से ग्रहण में परिभाषा भी बनाया हुआ है, परिभाषा भी एक लक्षण प्रतिपदोक्त हो। कहीं ऐसा विवाद हो जाए दो में से किसको ग्रहण करना है, कहते प्रतिपदोक्त को ही ग्रहण करना। अब यहां प्रतिपदोक्त बल्कि निषेध कर रहे, कहते लाक्षणिक रूप को ही विसर्ग होगा, प्रतिपदोक्त रेफ को नहीं। रो रेव विसर्ग सुपी, अतएव क्या स्थिति रहा? वैसे के वैसे रह गया चतुर सु, है ना, ऐसे ही रह गया, विसर्ग तो होगा नहीं। अब रेफ आता है इंड में आदेश प्रत्ययो हो शत करने के लिए, स को मूर्धनि शकार करने के लिए सूत्र आएगा आदेश प्रत्ययो हो, ये शत करने आ रहा है इसको कुभ्यं परस्य प्रत्यावयस्य आदेश सस्य मूर्धन्य आदेश स्यात् ईशत व्रता तादृश सस्य श एव यदि न वहां पर वृद्धि रामेश शब्द में आया था या नहीं? हाँ, सु रामेशु में सकार को मनुष्यकार करने ले ये सूत्र लाया था आदेश प्रत्ययो हो इन कुभ्यां परस्य इन या कवर रात इन में, क्योंकि इन हमेशा पर नकार रहते हैं ना, हा या वा रट लंड वहां के अणा तक जाना है। अरे इण के अंदर रेफ है, रेफ है इण, इण से पर में स है आए, और स किसका है? प्रत्यय का अवयव भूत सकार है, प्रत्यावय सकार है, प्रत्ययावय सकार है, अति वे स को मूर्धन्य श होना थे। आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार हो गया, मूर्धन्य शकार होने पर चतुर्धनशु रह गया, अब अचोराभ्याम द्वे की प्राप्ति हुई। जैसे आपने चतुर्नाम में न कथित किया ना कि सूत्र से अचोराभ्याम द्वे, वो ले आना यहाँ पर, तब ये सूत्र लगेगा। अचोराभ्याम द्वे सूत्र से द्वित्व प्राप्त है, उसे बांधने के लिए आ रहा है सरोज। क्या अच्छे चतु का ऊ, उससे पर में रे र और ह में से र है, उससे पर में यर है श, उसको द्वित्व प्राप्त, उस द्वित्व को बांधने के लिए सूत्र आ रहा है सरोज। सप्तम शस्य द्वित्व प्राप्ति लिखा भी है, शस्य द्वित्व प्राप्त सरोची 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 शरह षष्ठी एक वचन, अची सप्तमी एक वचन, अचि परे शरो न द्वेष्टा, अच परख अचि परे शरो न द्वेष्टः, ये है पूर्वाला च। अच से पर में रेफ है, रेफ से पर में शर है, शर से पर में अच के पर रहते हुए शर को द्वित्व नहीं होता। सु में जो ऊ है ना वो अच है, सु में जो ऊ है उस वू के होने के कारण से मूर्धन शकार को अधित नहीं होगा। शरोची अचि परे शर, अच पर जो शर न द्वेष्टा उसको द्वित्व नहीं होता। अच है सु में ऊ, उस वू के कारण से शर पर श को द्वित्व नहीं हुआ, रूप बन जाता है चतुर्षु चतुर्षु इति रकारांता। बस एक ही दृष्टांत दिया रेफांत में, रकारांत वांत भी एक रांत भी एक चलाइए इसका रूप चत्वारः चतुरः
चतुर्भी चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्णाम चतुर्षु। उसके बाद हायावा रट, रट के बाद लंट, लांत, लांत का कोई दृष्टांत नहीं। या मांगाणानम, यांत है, यांत का भी कोई दृष्टांत नहीं, मांत का दृष्टांत दे रहे हैं, मकारांत का दृष्टांत है, प्रशाम शब्द है, शमुशांतो धातु है, शम प्रोप सत्पुरक शम धातु था, गिर हो गया समामष्टान तेजर सूत्र से, प्रशांत प्रातिपदिक रह गया, विप्रत्यांत है, विपविच वडन प्रत्यांत अधत्तम न जाति, जाति इस न्याय के आधार पर अनुसार प्रशांत धातु है, विपाक हो गया सर्वा प्रलोप कृदंत हो गया, कृदंतत्वात् कृत समासाश्च से प्रातिप संज्ञा, प्रातिप संज्ञा से प्रथम ही वचन रक्षा में सुप्रत्यय आया, सु का भी सकार बच गया, प्रशांत धन स। अब हल क्या दीर्घ से प्रथम हल सूत्र से सु का लोप, हर्षम लोप की सहायता से प्रशाम बच गया। मो नो धातो हो, सूत्र आता है मो नो धातो हो, मो षष्ठी एक वचन, नो प्रथम एक वचन, धातो हो षष्ठी का एक वचन, मो नो धातो हो। प्रशाम के मकार के सिले क्या हो जाएगा, धातुर मस्य नह स्यात् पदान्ते, धात्वयो भूता जो मकार, उस मकार को दंत नकार आदेश हो जाता है पदांत में, इसलिए इसके पूर्व क्या करना पड़ेगा आपको सहायक सुप्तिंगंतम पदम सूत्र लगाना पड़ेगा, पद संज्ञा की सहायता से मोनोदास मकार को नकार कर दिया तो प्रशान प्रथम आगे क्वेश्चन का रूप बन गया, प्रशान प्रशान। पद संज्ञा यहां सुप्तिंग पदम से कर लिया आपने, हलादियों में स्वादिश असर्वनामस्थान से पद संज्ञा होगा, से जहां जहां पद संज्ञा है सभी जगह पर ये मकार को नकार कर देगा, आजादियों में मिलाना है और कोई काम, प्रशामौ बनेगा, प्रशाम अनौ है, प्रशामौ प्रशामः, प्रशामम प्रशामौ प्रशामः, प्रशामा प्रशान्भ्याम प्रशान्भिः, प्रशामे प्रशान्भ्याम प्रशान्भ्यः, प्रशामः प्रशान्भ्याम प्रशान्भ्यः, प्रशामः प्रशामोः प्रशामाम प्रशामी प्रशामोः प्रशान्त्सु। प्रशान हो गया, नकार होने के बाद में और सुब में एक और काम होगा नश्च, आपने पढ़ा है नश्च है कि नहीं, वो क्या करेगा धुट, हाँ धासी धुट के बाद नश्च धुट करेगा, नश्च तो धुट करेगा, धुट का क्या रहेगा तब, प्रशान धनसु था, म को न हो गया मोनो धातु से, और यहां पसंज्ञा करने वाला सूत्र कौन था स्वादिश्वास और नाम स्थान है, मोनो धातु लग गया नकार हो गया, प्रशान धनसु नश्च सूत्र लगा, नान पद से पर में है ये नहीं, हाँ नानतात् पर से सस्य धुड़वास नान से पर में जो दंत सकार रहता है उसको धुटवास याद धुट विकल्प हो जाएगा, तो एक पक्ष में क्या आएगा प्रशान धुटो का तो ध सु धवाओ खरीचा आने अंतर कर्म की सहायता से खरीचा लग गया तो ध को त हो जाएगा प्रशान सु एक रूप बना और धुट अभाव है प्रशांसु धुट के अभाव पक्ष में प्रशांसु भी रहेगा दो रूप हो गया प्रशांसु प्रशांसु किम मानते अगला किम शब्द सर्वाधिगण में है ये किम शब्द सर्वाधिगण में गिनाया है तो
किम धन सु, तो सीधा लगाएंगे हम किमह कहा, किमह कहा, किमह षष्ठी एक वचन, कहा प्रथमा एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र, किमह कहा षष्ठी और प्रथमा, किमह कहा स्याद विभक्तौ, विभक्तिश्च सूत्र की सहायता सुपर्तिम की विभक्ति संज्ञा करना पड़ेगा, विभक्तियों के पर रहते हुए ही किम को का आदेश होता है, इसे कोई सा जो सारा का सारा 21 प्रत्ययों का नाम विभक्ति है ना, सुप्तिंगौ विभक्त संज्ञौस्तः, पूरे विभक्तियों के पर क्या किम को का आदेश हो जाएगा, ये अदंत हो जाएगा, किमह कहा अनेकाल सर्वादेश, अनेकाल अनेकाल का फल दिख रहा है, क अनेकाल है तो किम संपूर्ण के स्थान पर क अनेकाल आदेश हो गया, नहीं तो अलौंत्य से आ रहा था केवल म को का आदेश करने बोलता, अलौंत्य से भगा दिया अनेकाल से सबसे, कि क आकार से क है, केवल क हल आदेश हम नहीं कर रहे हैं, क अ क ये आदेश हो रहा है, तो अनेकाल हुआ कि नहीं हुआ, अनेकाल होने से अनेकाल तो सर्वादेश हो गया, संपूर्ण किम के जगह पर क बैठ गया, क ई म तीनों चला गया, क आ गया, क धन सो, बाकी रामवत रूप चलेगा, सर्वाधिगण होने से विशेष कार्य जो सर्वाधिगण का है वो ध्यान रखना पड़ेगा, सर्ववत इसलिए बोल देंगे शेषम सर्ववत, अदंत हो गया ना इसलिए कहा, सुको सर्ग हो गया, कहा कौ के जसस्सी, सर्वाधिगण का विशेष कार्य क्या है, जसस्सी सर्वनाम रश्मि गसिंगो स्मास्मनौ आमी सर्वनाम सुट, इतने ही है विशेष कार्य, पांच जसस्सी एक सर्वनाम रश्मि दो गसिंगो दो वहां चार आमी सर्वनाम सुट पांच, पांच जगह कार्य है, पांच जगह आप सर्वत चलाएंगे बाकी सब में राम और शिव को अंतर नहीं पड़ेगा, अदंत तो कहा कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई ही कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् कस्माद् का, दो बोलना कस्मात् कस्माद् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केशाम कस्मिन् कयोः केश, हे क नहीं बोलना, यद्यपि हिंदी में तो अरे कौन बोलते, अरे कौन, अरे कौन, कौन तो किम की तो बोल रहे, अरे संबोधन हो रहा है, हिंदी में तो संबोधन चलेगा किम शब्द का, लेकिन संस्कृत में नहीं है, हे क ऐसा नहीं बोला जाएगा, हे क, यद्यपि तदादि नाम संबोधन उत्सर्ग तो नास्ति बोला है, तदादि नाम संबोधन उत्सर्गता नास्ति बोला है, इन तेतायन से बाहर होने से इसका तो संबोधन होना चाहिए, हे का एकौ एका हे के नहीं है, प्रश्न परक है किम शब्द, सत्ववाची नहीं है, प्रश्नार्थक होने से सत्ववाची वस्तु का ही तो संबोधन होगा ना, आप हे कौन जब बोल रहे हो वह आदमी लक्षित है, कौन शब्द से व्यक्ति लक्षित है, प्रश्नार्थ नहीं रहेगा कौन शब्द का अर्थ, वहां व्यक्ति लक्षित हो रहा, जो सत्ववाची द्रव्यवाची नहीं मूर्त चेतन युक्त मूर्त वाचकता पर ले गए तो यहां भी हो जाएगा संबोधन, कोई दिक्कत, जब तक आप किम शब्द को प्रश्नवाची मान के चलते हो प्रश्नार्थक मानते हो तब तक संबोधन नहीं हो सकता, कि प्रश्न क्या है वह एक सामान्य क्रिया है, अमूर्त पदार्थ, अमूर्तों का संबोधन नहीं होता, मूर्तों में भी चेतन युक्त हो तो संबोधन होता है, कि संबोधन का मतलब क्या, प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम, और कोई जड़ वस्तु गए पत्थर इधर देख पत्थर घूम जाएगा क्या है, मूर्त पदार्थ तो है लेकिन वो चेतन युक्त नहीं है, उसको पुकार के अपने और अभिमुख का नहीं कर सकते, इसे चेतन युक्त मूर्त पदार्थ को ही संबोधन किया जा सकता है, जब तब अमूर्तों को तो प्रश्न ही नहीं उठता,
अतएव किम प्रश्नवाची होने के नाते इसका संबोधन प्रयोग नहीं होता। इसके बाद अगला मानते इदम शब्द आया, इदम इदम केदारीगण में है, इदम धन सु, इदम धन सु प्राप्त हुआ केदारी नाम अह, केदारी नाम अह प्राप्त हुआ। उसका अपवाद करके म को मई आदि करने वाला सूत्र आ रहा है, इदमो इदमो मह, इदम षष्ठी एक वचन, मह प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, इदमो मह सौ इतना ही कहते सु के पढ़ते हुए इदम के मकार को मकार ही आदेश होगा। इदम को मकार आदेश हो अलंत्य से, अलंत्य से क्या करेगा, अंत में जो म है म को ही म आदेश कर देगा, लाभ ही है कि तदन में ऐसा नहीं होगा विधि सामर्थ्यात है कि नहीं। इसका लाभ क्या है म को म करने का कि तदाद न म से अ नहीं होगा, यही लाभ। लिखा भी आगे तदाद्यत्वापवाद, तदादि सूत्र से प्राप्त जो अत्व है उसका अपवाद कर दिया इसने, म को म कर डाला, ठीक। महा उच्चारणार्थकार है वो, वहां आकार उच्चारणार्थक है, कि म कह जैसा नहीं है, यहां आदेश आदेश पर आकार नहीं है, यह उच्चारणार्थक आकार है। वहां क क्या कार उच्चारणार्थ नहीं है, यहां म क्या कार उच्चारणार्थ है, कैसे आपको मालूम हुआ, अलोंत से म को म केवल आदेश हो जाता है। अब अगला सूत्र आता है इदोई पुंसी, इदा षष्ठी एक वचन, आई प्रथमा एक वचन, पुंसी सप्तमी एक वचन, अरे विज्ञापक है ना, यह सूत्र विज्ञापक है। यदि इदम संपूर्ण को म आदेश कर देते अकार सहित मान करके तो इधर पुंसी कहां लगाएंगे हम, इधर रहेगा ही नहीं लगाओगे कहां इधर पुंसी को, यह सूत्र निरर्थक हो जाएंगे, नहीं होगा, वह अपने आप ज्ञापन कर देता है वह अकार सहित मकार आदेश नहीं है, है ना। यदि संपूर्ण को ही म आदेश आपने कर दिया कि म क जैसे, इत भाग बचेगा कहां, वहां इधर पुंसी कहां लगाओगे, इत तो बचेगा नहीं, इत तो गया संपूर्ण म आदेश कर देंगे तो। इसलिए आगे विधियों को देख करके भाष्यकार लोग ये बात कहते हैं कि भाई यहां आकार उच्चारणार्थ है। अब ये कहता है इदोई पुंसी में, इदा षष्ठी एक वचन, आये प्रथमा एक वचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है, इदम इदो आये सौ पुंसी। इदम शब्द का जो इत भाग है, इदम शब्द का जो इत भाग है, इत भाग को अलग करोगे तो क्या दिखेगा, इद अम स, अब अ रहेगा केवल म नहीं, दकार में अकार है ना, वो अलग करो, इत भाग में इतना हो गया। इदम का जो इत भाग है उसके स्थान पे आई अनेकार है, ये अपसर्व आदेश हो जाएगा, आई यह आदेश होता है पुल्लिंग में केवल, जब इदम शब्द का पुल्लिंग में रूप बना रहे हो, इदम का स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में जब बनाओगे इत को आई आदेश नहीं होगा। कब हो रहा है इसको आदेश, पुल्लिंग में और सु के परिवर्तन के बाद होगा, इसलिए आई अम सु, आप लिख दीजिए जोड़ करके आई अम धन, हल ज्ञा दीर्घा सुप्रतम हल, सु का लो रूप बन गया आई अम। प्रथमा का एक वचन का रूप बन गया आयम, इदम धन औ, इदम धन औ द्विवचन, केदारी नाम अह, इद औ, इद औ आधुना प्राप्त है दोनों का बीच में, उसको बाधित है कह सवन दीर्घ, उसे बाद सूत्र आ रहा है अतो गुणे, अतो गुणे, अतो गुणे, अतः पंचमी एक वचन, गुणे सप्तमी एक वचन,
दो पदों वाला सूत्र है। अपदांता तो गुणे पर रूपम में एकादेश अपदांत अकार इधर के दकारोत्तर उत्तर कैसा है अपदांत अकार उससे पर में जो है ये गुण संज्ञा वाला अकार अपदांताद अतः अकार से अभी ह्रस्वकार ही लेना है अत ही लेना है दीर्घ रहने पर नहीं लगेगा सूत्र अतो सूत्र है अतो अपदांत अकार दकार क्या करके पदांत में कौन है औ है कि सुप्तेंद्र पद से पदसंज्ञा करोगे तो औ की सहित पूरी की होगी पदसंज्ञा तो पदांत में अवकार है इसलिए अपदांत में है दकार उत्तरवर्ती अकार या अपदांत अकार है उससे पर में जो अ है उसके हम क्या करेंगे अधिंग गुण से गुण संज्ञा कर देंगे गुण संज्ञा वाला कोई वर्ण हो सकता ना अ ए ओ तीन में से कोई भी होगा तो क्या होगा पर रूप एकादेश हो जाता है यहां पर कौन है गुण संज्ञा वाला अकार है इसीलिए इन दोनों में परूप एकादेश हुआ तो इध हल हो गया दोनों आकार जब नया आकार बैठ गया और औ अपदांत आकार से पर में इसलिए क्या क्या संज्ञा जरूर पड़गी एक दो सुप्तेन पदम से पद संज्ञा कर लेंगे हम सुप्तेन पदम पद संज्ञा करके कहेंगे पदा अस्य संपूर्णस्य पदत्वात् पदान्ते औकार विद्यते इद शब्दस्य दकारोत्तरवर्ती अकारः अपदान्ते विद्यमानत्वात् अपदान्तकारः तस्माच्च परस्य यो अकारः तस्य अधिङ्गुणित्येन गुणसंज्ञायां कृते सति उसे पर में जो अकार से क्या करूंगा अधिङ्गुण से गुण संज्ञा कर दूंगा तब अतोगुण सूत्र से पररूप एकादेश हो गया परूप एकादेश का मतलब क्या पूर और पर इन दोनों के पर के सदृश एक आकार आदेश हो गया नया आकार आ गया इद अ औ हो गया इद धन औ दश्च सूत्र आता है दश्च दश्च दह षष्ठी एक वचन च अब्बे दो पदों वाला सूत्र